तो रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जियां तो अक्सर हम आजकल घर पे बनाते ही हैं, और आप उस समय सर्व कर देंगे इंस्टेंट नान जो कि बिल्कुल परफेक्टली बन करके आई है, तो खाने में चार चांद लग जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है, बहुत ही परफेक्ट बन करके आई है, और इसे हमने बिना खमीर उठाए एकदम इंस्टेंटली बनाया है सोडा वाटर से। तो चलिए फटाक से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इस परफेक्ट नान को बनाने के लिए हम ले लेंगे 2 कप मैदा, और अब हम इसमें डाल देंगे करीबन आधा टीस्पून चीनी। अब हम इसमें आधा टीस्पून नमक डाल देंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल की जगह आप इसमें बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सोडा की बोतल ली है, ये आपको किसी भी दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और काफी लोग गर्मी के मौसम में तो इसे अपने घर पे ही रखते हैं। तो अब हम जो ये आटा है इस सोडा पानी से मतलब सोडा वाटर से ही लगाएंगे, तो इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करना है, और जैसे हम नॉर्मल आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके सोडा वाटर डालना है, इसको मिक्स करते जाना है और गूंथते जाना है। तो दोस्तों नान जो है ओरिजिनली यीस्ट से बनती है, यानी कि खमीर से बनती है, मगर जनरली हमारे घर में खमीर नहीं होता है, और खमीर से नान बनाने के लिए आपको 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं खमीर उठाने के लिए। तो अगर पहले से ही प्लानिंग हो तो हम यीस्ट वाली नान बना सकते हैं, मगर कभी कभार एकदम से मन कर जाता है कि इस वाली सब्जी के साथ काश नान होती, तो आप इस तरीके से एकदम इंस्टेंट नान बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आएंगे, एकदम सेम टू सेम रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है वो ऑलमोस्ट लग चुका है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एंड स्टिकी है। तो इसको थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लूंगी और इसको फिर से मसल लूंगी। फ्रेंड्स जितने अच्छे से आप इस आटे को गूथेंगे उतना ही स्ट्रेची ये आटा बनेगा और उतनी ही सॉफ्ट नान बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पे हमारा एकदम सॉफ्ट आटा लग करके तैयार हो चुका है, तो अब हम इसको ढक करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि हमारा जो मैदा है वो अच्छे से फूल करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा है वो परफेक्टली फूल करके तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट और स्ट्रेची बन करके तैयार हुआ है। तो अब हम नान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम तवा नान बनाने वाले हैं, और इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कलौंजी, धनिया पत्ता और पानी ले लिया है। एक छोटी सी लोई ले लेंगे बिल्कुल रोटी के साइज की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है कितना स्ट्रेची बना है, कितना परफेक्ट बना है, और इसको बेलने के लिए हम सूखे मैदे का इस्तेमाल करेंगे। तो काउंटर पे हमने थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लिया है, और अब हम इसको रेगुलर रोटी की तरह बेल लेंगे। तो रेगुलर रोटी तो गोल होती है, और जनरली रेस्टोरेंट में ओवल शेप की नान सर्व होती है, तो यहाँ पे मैं इसको ओवल शेप का ही बना रही हूँ। तो नान जब बेल करके तैयार कर लें तो उसके ऊपर एक साइड पे धनिया पत्ती और कलौंजी इस तरीके से लगा दें, और हल्का सा बेलन जला दें ताकि ये धनिया पत्ती और कलौंजी इसमें चिपक जाए, और फिर हम इस नान को इस तरीके से पलट देंगे और दूसरी तरफ हल्का सा पानी छिड़क देंगे। तो ये पानी हम इसलिए छिड़कते हैं ताकि हमारी जो नान है वो गर्म तवे के ऊपर अच्छे से चिपक जाए और वो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली तंदूर वाली नान वाला इफेक्ट आ जाए। तो ये हमारी एक नान तो तैयार हो गई है, तो ले चलते हैं इसको पकाने के लिए। तो इधर हमने जो तवा है अपने लोहे के तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है, इसको बनाने के लिए लोहे के तवे का ही इस्तेमाल करें क्योंकि नॉनस्टिक तवे के ऊपर आपकी नान नहीं चिपकेगी। तो अब हम नान की पानी वाली साइड गर्म तवे के ऊपर इस तरीके से रख देंगे, और आप खुद देख सकते हैं हमारी जो नान है कितनी बढ़िया तरीके से फूल करके आ रही है। फ्लेम को हम पूरे टाइम मीडियम से हाई पे रखेंगे, और जैसे ही नान का ऊपर से रंग हल्का सा चेंज, वैसे ही हम तवे को इस तरीके से पलटा देंगे जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोहे वाले तवे का ही इस्तेमाल करें, और उसी तवे का इस्तेमाल करें जिसमें हैंडल लगा हो। हैंडल वाले तवे से आप ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और आपकी जो नान है वो अच्छे से सिकेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं नान को किस तरीके से सेक रही हूँ। इसको एकदम से बर्नर के ऊपर नहीं रखना है, हमें इसको इसी तरीके से दूर दूर से सेकना है ताकि इस पे एकदम गोल्डन स्पॉट्स आए और ये बहुत ही अच्छे से पक कर के आए। तो बस जब दूसरी तरफ से भी अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं तब आप तवे को पलटा लें और इसके ऊपर लगा दें मक्खन या देसी घी ताकि आपकी जो नान है वो एकदम सॉफ्ट बनी रहे।
तो अब मैं आपको इसको पलटा के भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी बढ़िया और एकदम खूबसूरत एकदम परफेक्ट टेक्सचर की बन करके आती है। तो सर्व करिएगा इस लाजवाब सी नान को अलग अलग तरीके की पनीर की सब्जियों के साथ या फिर मलाई कोफ्ते के साथ। ये सभी रेसिपीज हैं मेरे चैनल पे, जरूर चेकआउट करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स पे जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस सॉफ्ट सॉफ्ट सी नान की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।